तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे प्रीमियर प्रो में रील्स एडिट कर सकते हैं। अगर प्रीमियर प्रो बेसिक से सीखना है तो प्लेलिस्ट यहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना थोड़ा बेसिक भी कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वरना इस वीडियो में मैं आपको समझा ही रहा हूँ, अच्छी सी रील आप बना सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाना है न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पे टाइटल डालना है। तो लोग बोल रहे हैं कि तू बहुत फास्ट समझा रहा है, तो इस बार मैं ट्राई करूंगा कि एकदम स्लो में समझाऊ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करना है। पहले नए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये तुम्हारी टाइमलाइन है। पहले तो मैं अब थोड़ा बहुत आपको लेआउट समझा देता हूँ, ठीक है। और कीबोर्ड में अब मेरे शॉर्टकट देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्लियर एड एडिट, जिससे कि मेरा काम फास्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं क्लियर और एड एडिट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आपको यहाँ पे जस्ट सर्च करना है, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टकट की बात, ठीक है। अब चाय कॉफी हाथ में ले लो, आराम से मस्त आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो एक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, यहाँ पे एक वीडियो आ गया है, यहाँ से तुम्हें अनलिंक करना है। अगर वीडियो नहीं चाहिए तो उसको डिलीट करना है। और यहाँ पे तुम मेरे शॉर्टकट्स देख ही सकते हो, ठीक है। तो ऑडियो हमने ले लिया है, और अब गाना सुनना है और मार्कर वगैरह ऐड करना है, ठीक है। मार्कर के लिए जो भी शॉर्टकट की होगी वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ इसमें तो एम ही रहता है, तो एम से ही होगा। ओके, तो यहाँ से मार्कर का काम हो गया है, और यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ। कॉपीराइट का इशू इसलिए मतलब मैं आपको सुना नहीं सकता। यहाँ पे मैं एक क्लिप ले रहा हूँ। यहाँ पे तुम सीक्वेंस में जाके यहाँ पे तुम सेटिंग चेक कर सकते हो। 30 FPS, ये वर्टिकल है, 9:16 ये साइज रखनी है। यहाँ पे मैक्सिमम और ये मैक्सिमम दोनों क्लिक कर देना है, और फिर इसको करना है नेक्स्ट। इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे वही सेम ट्विस्टर लेना है। ओके, ये कुछ सेटिंग्स है। स्पीड में जाना है और की फ्रेम देके यहाँ पे 10 ये हाफ कर लेना। ओके, ज़्यादातर मैं प्रीमियर प्रो यूज़ नहीं करता, तो मुझे नहीं पता है कि इसको स्क्रैच कैसे करते हो। किसी को पता होगा तो कमेंट में बता देना, वरना हम इतने सीन्स ही ले रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब डिफरेंट है, लाइक आपको यहाँ पे वाइट या ब्लैक कुछ भी इफेक्ट देनी है तो आपको यहाँ पे इफेक्ट में जाना होगा, और इसमें जाना होगा डिप टू वाइट या डिप टू ब्लैक कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। और इसको एडजस्ट करना है तो तुम यहाँ से कर सकते हो, वरना हाँ और भी ऑप्शन है, लाइक तुम ग्लो वगैरह ले सकते हो और फिर यहाँ पे की फ्रेम देके भी कर सकते हो। और मेरे पास अभी कोई भी इतनी ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, इसलिए मैं ये सारी क्लिप्स ले रहा हूँ। लाइक आफ्टर इफेक्ट में मुझे पता है कि प्रीकॉम करने से हो जाता है, लास्ट का पार्ट भी तुम यूज़ कर सकते हो, बट इसमें मुझे आइडिया नहीं है तो इसको मैं डिलीट करके ही करता हूँ। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है। और यहाँ पे तुम अलग अलग सीन्स भी ले सकते हो। कभी कभी प्रीमियर
प्रो में काम आसान भी हो जाता है और कभी कभी डिफिकल्ट भी। और मैं पहले से आफ्टर इफेक्ट यूज़ करता हूँ तो थोड़ा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट तो नहीं बट सेटिंग्स मुझे इसकी कभी कभी पता नहीं होती क्योंकि मैं इसको हमेशा यूट्यूब के वीडियोज़ एडिट करने में ही यूज़ करता हूँ या जितने भी मेरी ब्लॉग्स होते हैं ठीक है उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। लैग कर रहा है तो एंटर दबा दो सिंपली, तो जितने भी जो आपकी इफेक्ट होगी वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगी और उसके बाद थोड़ा प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें थोड़ा अभी लैग ही लगेगा आपको प्रीव्यू करने में। इस ट्यूटोरियल के एंड के बाद आप ज़्यादातर तो यही बोलोगे, अगर हाँ जिसको आता नहीं आफ्टर इफेक्ट वो बोलेगा कि नहीं ये प्रीमियर प्रो सही है, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि हो सके तो आप एडिट्स आफ्टर इफेक्ट में ही बनाना क्योंकि मैं कभी कभी थंबनेल्स भी उसमें ही बनाता हूँ और उसमें जो मतलब जितना भी वर्क होता है ना वर्क फ्लो बहुत ही अच्छा है, मतलब थोड़ा इससे सिंपल है। ये ज़्यादातर जितने भी शॉर्ट फिल्म्स है ब्लॉग्स है उसमें मतलब यूज़ करने में प्रीमियर प्रो सही है। एडिट के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा यार क्योंकि आफ्टर इफेक्ट अच्छा है, तो जितना रेंडर हो गया उतना मैं आपको बता देता हूँ। नो डाउट जितने भी तुम प्लगइन यूज़ करोगे लाइक पिक्चर है और ग्लो है जितने भी है वो चल जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है ठीक है। सब सिलेक्ट करके वहाँ पे प्री कॉम्प होता है, यहाँ पे हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सीसी नाम दिया है। उसके बाद आपको जाना है इसमें और लुक्स ऐड करना है। ये लुक्स इसमें आ गया और जैसे आफ्टर इफेक्ट में करते हो वैसे ही करना है। बाकी देखो यार मैं आपको जस्ट इतना बता सकता हूँ कि एडिट कैसे करना है, बाकी इफेक्ट वगैरह आपको देखना है तो आप पहले आफ्टर इफेक्ट के जितने भी ट्यूटोरियल वो देख सकते हो और सेम नाम यहाँ पे तुम टाइप करके भी कर सकते हो, बाकी ये सब सेम ही है जितना भी कलर करेक्शन है ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर करेक्शन और तो पे सेटिंग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो आपको मतलब चाहिए तो आप मेरे स्टोर पे जा सकते हैं और वहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ठीक है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ठीक है। तो यही था कुछ वीडियो कि आप कैसे प्रीमियर प्रो में एडिट कर सकते हो और एकदम मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया है। और अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं ऐसा ही बोलूँगा कि नहीं आफ्टर इफेक्ट में सीखो भले ही टाइम लगे, दोनों की प्लेलिस्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको बेसिक से सीखना है तो आराम से सीखो ठीक है। और यहाँ पे मेरी ब्लॉग की चैनल है, जितने भी बिहाइंड द सीन से जतिन एडिट के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। गद्दी का है ऑर्डर के लिए।